हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, आज की रेसिपी पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत टेस्टी यमी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं जो कि खा के मज़ा आ जाने वाला है ना। इस जिसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, बट बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है, इसमें सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पूड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप अचार के साथ खाइए, या चाय के साथ खाइए, या दही के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए। आप चाहो तो सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, बट बहुत टेस्टी लगता है। प्लीज ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करके सादे पानी के साथ हम आटे को गूंथ लेंगे। आप चाहे तो गर्म पानी के साथ भी गूंथ सकते हैं, बट हम सादे पानी के साथ, क्योंकि सादे पानी के साथ गूंथ के फिर इसको रेस्ट 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे आटे को, ताकि पूरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए आटा मेरा बिल्कुल। इसको बहुत अच्छा क्रिस्पी पूड़ी बनती है। तो इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर छोड़ दिए हैं। यहाँ पर रख दिए हैं कढ़ाई। अब मैं पूड़ी को पहले बेल के रख लूँगी, इसके बाद छानूँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता है पूड़ी के एक बार एक साथ में बेलो और छानो। तो इसलिए मैं ऐसे काम करती हूँ कि मुझे थोड़ा आराम रहे करने में। तो मैं पूड़ी को पहले थाल में बेल के रख लेती हूँ या किसी पेपर वगैरह में, तो फिर एक एक करके छानती हूँ। बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डाल के छानेंगे, वरना पूड़ी फट भी सकती है। तो ये देखिए, मैं एक एक करके इसको छान लूँगी। बहुत झटपट बन के तैयार होती है, बहुत टेस्टी लगती है। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। आप मॉर्निंग में बनाइए, ब्रेकफास्ट में बनाइए, या शाम को नाश्ते पे बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए, मैंने पूड़ी को एक एक करके इसी तरह जितना मेरे पास है सारे को एक एक करके निकाल लेंगे। आप चाहो तो अगर आपके पास बहुत बड़ी कढ़ाई है तो उसको दो दो तीन तीन करके साथ में निकाल सकते, थोड़ा इजी भी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास छोटी कढ़ाई है, इसलिए मैं एक एक दो दो करके निकाल लिया। यहाँ देखिए, फाइनली पूड़ी को मैंने सारी जितनी थी सारी निकाल लिया है और मेरा नाश्ता भी हो गया तैयार। आपके घर कोई आया है, आपको और कुछ बनाने का मन नहीं है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बट बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आई होप हमारी सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।